अमृतपाल सिंह ते उसके साथी पप्पलप्रीत सिंह नू हरियाणा दे विच साथ देण वाली उन्हां दोनों दा साथ देण वाली औरत दा पुलिस रिमांड हासिल किया गया। जी हाँ, दस दें कि जिवें ही जानकारी मिलती है कि अमृतपाल सिंह ते पप्पलप्रीत सिंह दोनों जणिआं दी लोकेशन हरियाणा तो बरामद हुई है। उस तो बाद जो औरत है, जिस औरत दे वल्लों पनाह दी गई सी अमृतपाल सिंह ते उसके साथी नू, उस औरत नू हुण पुलिस रिमांड ते लै लिया गया है। सो अदालत दे विच पेश किया गया, जिस तो बाद 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। सो पूरी जानकारी तुहानू दे दिंदे आ। अमृतपाल सिंह जिसनू लैके लगातार चर्चावां छिड़ियां होईयां ने, जानकारी मुताबिक अमृतपाल सिंह अते उसके करीबी दोस्त पप्पलप्रीत की मदद करन वाली शाहबाद की औरत बलजीत कौर नू अज भारी सुरक्षा दरमियान नकोदर की अदालत दे विच पेश किया गया है, जिथे अदालत ने पुलिस नूं उक्त औरत दा 3 दिन का रिमांड दे दिता है। सो पुलिस हुण 3 दिन के रिमांड के उत्ते औरत नूं रखेगी, हो सकता है कि खुलासे हो जाण। सो जिक्र योग है कि बलजीत कौर नूं अमृतपाल ते पप्पलप्रीत नूं घर दे विच पनाह देण दे दोष दे विच गिरफ्तार किया गया। शाहबाद की रहने वाली बलजीत कौर ने 19 मार्च नूं अमृतपाल ते पप्पलप्रीत नूं अपने घर दे विच पनाह दित्ती सी। इह सूत्रां तों जो जानकारी मिली है तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। सो जिस दे तहत पुलिस ने अज औरत नूं गिरफ्तार करके अदालत दे विच पेश किया है। अदालत ने पुलिस नूं उक्त औरत दा 3 दिन का रिमांड हासिल किया है ता जो पुछगिछ की जा सके, इस मामले दे विच कई अहम खुलासे हो सकण। सो दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि खुलासे हो सकण। फिलहाल औरत दा 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। सो अदालत दे विच अज पेश किया गया सी, जिसनूं लैके हुण वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर सिंह साहब को मिलते रही इशू भी है 27 की है। सो एक नॉर्मल जी सर जसकरण जी एक ना काफ़ी उन्होंने वालों पोस्ट भी पाई थी 27 तरीक में जरा कि अहम बैठक होएगी जो पंजाब के माहौल में लैके भी कोई गलबात हुई है ना। चीज़ा तो जनरल डिस्कशन होंदिया रहा उन्होंने सिक्योरिटी बारे, जनरल एटमोसफेयर बारे। और क्योंकि मैं आप इज आया तो मैं इतने रहा वा और उदो मैं इमीजिएटली चले गया से। सो बाकी जरा मेरा पर्सनल विजिट से एंड बाकी ठीक है। अमृतपाल नूं लैके कोई खास कोई गलबात हुई नहीं? वो इस मौका नहीं है क्योंकि मैं इसका मतलब अमृतपाल सिंह ते उसके साथी पप्पलप्रीत सिंह नूं हरियाणा दे विच साथ देण वाली उन्हां दोनों दा साथ देण वाली औरत दा पुलिस रिमांड हासिल किया गया। जी हाँ, दस दें कि जिवें ही जानकारी मिलती है कि अमृतपाल सिंह ते पप्पलप्रीत सिंह दोनों जणिआं दी लोकेशन हरियाणा तो बरामद हुई है। उस तो बाद जो औरत है, जिस औरत दे वल्लों पनाह दित्ती गई सी अमृतपाल सिंह अते उसके साथी नू, उस औरत नू हुण पुलिस रिमांड ते लै लिया गया है। सो अदालत दे विच पेश किया गया, जिस तो बाद 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। सो पूरी जानकारी तुहानू दे दिंदे आ। अमृतपाल सिंह जिसनू लैके लगातार चर्चावां छिड़ियां होईयां ने, जानकारी मुताबिक अमृतपाल सिंह अते उसके करीबी दोस्त पप्पलप्रीत की मदद करन वाली शाहबाद की औरत बलजीत कौर नू अज भारी सुरक्षा दरमियान नकोदर की अदालत दे विच पेश किया गया है, जिथे अदालत ने पुलिस नू उक्त औरत दा 3 दिन का रिमांड दे दिता है। सो पुलिस हुण 3 दिन के रिमांड के उत्ते औरत नू रखेगी, हो सकता है कि खुलासे हो जाण। सो जिक्र योग है कि बलजीत कौर नू अमृतपाल ते पप्पलप्रीत नू घर दे विच पनाह देण दे दोष दे विच गिरफ्तार किया गया। शाहबाद की रहने वाली बलजीत कौर ने 19 मार्च नू अमृतपाल ते पप्पलप्रीत नू अपने घर दे विच पनाह दित्ती सी। इह सूत्रा तो जो जानकारी मिली है तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। सो जिस दे तहत पुलिस ने अज औरत नू गिरफ्तार करके अदालत दे विच पेश किया है। अदालत ने पुलिस नू उक्त औरत दा 3 दिन का रिमांड हासिल किया है ता जो पुछगिछ की जा सके, इस मामले दे विच कई अहम खुलासे हो सकण। सो दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि खुलासे हो सकण। फिलहाल औरत दा 3 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। सो अदालत दे विच अज पेश किया गया सी, जिसनू लैके हुण वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया गया है। दूसरे नंबर पर सिंह साहब को मिलते रही इशू भी है 27 की है। सो एक नॉर्मल जी सर जसकरण जी एक ना काफ़ी उन्होंने वालों पोस्ट भी पाई थी 27 तरीक में जरा कि अहम बैठक होएगी जो पंजाब के माहौल में लैके भी कोई गलबात हुई है ना। चीज़ा तो जनरल डिस्कशन होंदिया रहा उन्होंने सिक्योरिटी बारे, जनरल एटमोसफेयर बारे। और क्योंकि मैं आप इज आया से मैं इतने रहा वा और उदो मैं इमीजिएटली चले गया से। सो बाकी जरा मेरा पर्सनल विजिट से एंड बाकी ठीक है। अमृतपाल नूं लैके कोई खास कोई गलबात हुई नहीं? वो इस मौका नहीं है क्योंकि मैं इसका मतलब